बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं ऑटो केयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर कुछ नई वैरायटी आपके लिए लेके आए हैं, कुछ नई नई चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक ऑटो केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल का आइकन भी दबा दें, तो उससे क्या होगा कि हर नए आने वाली वीडियो को आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो क्या है आज की वीडियो में, चलिए चल के देखते हैं। आज का सबसे पहला आइटम जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक कस्टम मेड 125 की ब्रेक लाइट है। ये आपको 70cc में भी मिल सकती है, बहरहाल इस वक्त जो मेरे हाथ में है वो 125 की है। ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है। इसका पेपर जो साइड पे लगाया गया है गोल्डन कलर में है और सेंटर में एक मेटल मोनो लगाया गया है और बिल्कुल उसके साथ मैचिंग में सारी ये लाइट बनाई गई है। अच्छा, इसमें बाकी जो है ब्लैक पेपर से काम किया गया है और ये दरमियान में लाइन जो हैं ये खाली छोड़ी गई हैं कि जिस वक्त आप ब्रेक लगाएंगे या इसके अंदर कोई फ्लैशर लगाते हैं तो ये सारी जगह ग्लो करेगी, बाकी जगह जो है वो ब्लैक ही रहेगी। बिल्कुल एक अलग किस्म की और ख़ूबसूरत किस्म की ये लुक देगी। बैक साइड से देखा जाए तो सिंपल लाइट है जो 125cc की होती है, सिर्फ आपने ये ढकना चेंज करना है। और अगर आपने इसके अंदर फ्लैशर लगाया हुआ हो तो ये बिल्कुल एक अलग ही लुक देगी। तो इसमें आपको और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, लोगो वाले भी और विदाउट लोगो भी। अभी चंद एक डिज़ाइन हम लोगों ने तैयार किए हुए हैं, जिनमें से एक ये जो फुल डार्क पेपर के साथ आता है। फिर इसमें मैं आपको एक और डिज़ाइन बताता चलूँ, जो कि इसको हम लोग रखते हैं साइड पे, तो ये आप देख सकते हैं ये सेमी ट्रांसपेरेंट आप कह लें, इसमें जो पेपर है वो सेमी ट्रांसपेरेंट किस्म का लगा हुआ है और जो इसका शीशा है वो भी वाइट कलर का है। बैक साइड से मैं आपको दिखाता चलूँ, ये ट्रांसपेरेंट शीशा है और लाइट ब्लैक इसमें है और इसकी बाकी डिज़ाइनिंग सेम वही है, मार्का इसमें डिफरेंट लगा हुआ है। इसमें अगर आपको शाइनिंग वाला चाहिए तो शाइनिंग वाला भी आपको मिल जाएगा। इसमें पेपर जो है ये शाइनिंग वाला लगा हुआ है और दरमियान में मार्का बड़ा खूबसूरत लगा हुआ है, बाकी सेम टू सेम वही चीज़ बनी हुई है। अगर आपको मार्के के बगैर कोई डिज़ाइन चाहिए तो मार्के के बगैर भी डिज़ाइन मिल जाते हैं, जैसा कि ये है। ये भी बिल्कुल एक अलग किस्म की लुक देती है ये लाइट। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि इसमें आपको 70cc और 125cc दोनों के लिए मिल जाएंगी। अभी मैं ज़रा आपको इसके अंदर लाइट जला के दिखा देता हूँ कि ये जो भी पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर जब लाइट जलती है, फ्लैशर में जला के दिखा देता हूँ कि ये जलते हुए कैसे लगेगी। चलिए, तो अभी हम लोग एक फ्लैशर इसमें रखा है और इसको चला के देखते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्लैशर जिस वक्त चलेगा इसमें या लाइट भी चलेगी तो ये एक्चुअल में चलते हुए कैसे लगेगी। यहाँ साइडों पे भी आपको एक धारी सी मिल जाएगी लाइट के लिए और फ्रंट पे भी इस तरह की लाइट है। अभी मैं आपको बाकी लाइट्स भी बारी बारी चेक करवा देता हूँ, फ्लैशर लगा रहे। इसमें हम लोग ये दूसरी लाइट लगाते हैं तो इसकी आप लुक देख सकते हैं कैसी लुक होगी इसकी। इसके बाद हम लोग तीसरी लाइट भी चेक कर लेते हैं, तीसरी लाइट जो है, और इसके बाद बग़ैर मार्के वाली लाइट भी चेक कर लेते हैं, बग़ैर मार्के वाली लाइट कैसी लगती है। अच्छा, आप कुछ प्राइस की बात करते चलें तो ये जितनी भी मार्के वाली लाइट्स हैं ये आपको मिलेंगी 650 रुपये के हिसाब से, और जो बग़ैर मार्के वाली लाइट्स हैं वो आपको मिलेंगी 450 रुपये के हिसाब से, 650 और 450 रुपये, 200 रुपये का मार्के का डिफरेंस है। डिलीवरी जो है पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। आज का नेक्स्ट आइटम जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो भी एक कस्टम मेड नंबर प्लेट है, जो कि रेड ब्लू फ्लैशर्स के साथ अवेलेबल होती है। इसमें भी डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। इस वक्त जो मेरे हाथ में मौजूद है ये आ जाती है जी मल्टी कलर पेपर के साथ, इसके ऊपर मल्टी कलर शीट लगी हुई है और रेड ब्लू इसके अंदर फ्लैशर हैं, ऊपर एक अदद मार्क और दिया हुआ है जो कि नंबर प्लेट से उसके सींग बाहर निकले हुए हैं। इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी का नंबर लिखवा सकते हैं और
बैक साइड की अगर बात की जाए तो बैक साइड बिल्कुल सिंपल सी है। यहाँ पे दो ये फ्लैशर लगे हुए हैं जिनकी वायर्स ये आ रही हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप रेड ब्लू फ्लैशर्स के साथ ही लें, जैसे कि मैंने अभी आपको वाइट फ्लैशर दिखाया था, आप वाइट फ्लैशर भी इसके साथ लगा सकते हैं और इसमें कोई डिज़ाइनिंग अपनी मर्ज़ी की, मार्का वगैरह भी अपनी मर्ज़ी का लगवा सकते हैं। जैसा कि ये मार्क और लगा हुआ है, इसमें हमारे पास एक और प्लेट बनी हुई है जो कि ब्लैक कलर में बनी हुई है और इसमें क्राउन वाला मार्का लगा हुआ है। ये मार्का जो होता है ये मेटल का नहीं होता, ये मेड ऑफ प्लास्टिक होता है। इसमें कुछ और आप थोड़ी बहुत चेंजिंग करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। तो इसको भी मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। रेड ब्लू फ्लैशर्स हैं, इसकी तारें जुड़ी हुई हैं, इसको मैं जला के दिखा देता हूँ कि ये चलते हुए कैसा लगता है। तो प्राइस की बात अभी ही कर लेते हैं, 550 रुपये में ये लाइट आपको अवेलेबल होगी, सॉरी नंबर प्लेट आपको अवेलेबल होगी और डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में आपको मिल जाएगी। तो वायर्स कनेक्ट कर दी गई हैं, अभी हम इसको ऑन करते हैं और आप देख सकते हैं कितने तेज़ फ्लैशर हैं और बहुत बहुत ज़्यादा दूर से ये विजिबल होते हैं। इसमें आप वाइट फ्लैशर लगाना चाहें तो जैसे अभी मैंने आपको पहले वाइट फ्लैशर दिखाया था वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के कोई भी लाइट लगा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये यूनिवर्सल आइटम होता है क्योंकि नंबर प्लेट है हर बाइक में तकरीबन एक ही जैसी लगती है। तो आप इसके अलावा कोई कस्टम नंबर प्लेट बनाना चाहते हैं आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 550 रुपये में ये नंबर प्लेट आपको अवेलेबल होगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आज के प्रोडक्ट भी आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आराम से आगाह करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ नए आइटम्स के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ऑटो केयर, अल्लाह हाफिज़।